अभी तक आपने मीनाक्षी के इंटरव्यू का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 देख लिया। अगर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, आई बटन में लिंक किया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक किया है। ये है मीनाक्षी की स्टोरी का 3rd एंड लास्ट पार्ट। एंड इतनी सारी चीज़ें मीनाक्षी पहले शेयर कर चुकी हैं, ये शेयर कर चुकी हैं कि जो जो वो मैनिफेस्ट कर चुकी हैं, अभी देखते हैं क्या और मैनिफेस्ट किया है मीनाक्षी ने। जैसे मैम अभी 8 अगस्त को मेरा बर्थडे था, है ना, उसके जस्ट 2 दिन पहले मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गई और मेरे पैर में मोच आ गई। और जैसे मैं मतलब मैंने न्यू ईयर पे लिख दिया था कि मुझे अपने बर्थडे पे जाना है दुबई, पहले से डिक्लेयर कर दिया कि, और जो भी मुझे पूछता मैं तो दुबई जा रही हूँ दुबई, और इतनी खुश होती थी ऐसा लगा जैसे दुबई पहुंच गई, ठीक है। और फिर मेरा बर्थडे था और जस्ट उसके जस्ट 2 दिन पहले मैं स्टूडियो पे इतना बुरा स्लिप हुई ना मैम, जैसा जैसा फ्रैक्चर जैसी हालत हो गई थी, लेकिन डिवाइन कनेक्शन इतना पावरफुल था कि फ्रैक्चर वैक्चर कुछ नहीं था। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल नॉर्मल है, एक्सरे हो गया बिल्कुल नॉर्मल है। अब मेरे हस्बैंड सोचे कि और अब इसका क्या होगा, ये तो गुस्सा करेगी यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये जैसे पिछली बार जो मेरे बर्थडे आते थे ना मैम कुछ होता नहीं था तो मुझे गुस्सा आता था, जैसे अगर मेरे बर्थडे पे किसी ने बलून नहीं लगाया बचपन में तो मुझे गुस्सा आ जाता, मेरा बर्थडे बर्थडे क्यों नहीं मना रहे हो, फिर मैं खुद ही लगाने लग जाती, अपना बर्थडे खुद ही मनाती। मैं जरूरी था, कंपल्सरी था कि करना है तो करना ही है, लेकिन अभी मेरे पैरों पे लगी और मैं बेड पे हूँ ऐसे पैरों को ऐसे फैला के बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड कह रहे कि पैर ठीक हो तो कहीं चले क्या बाहर, मैंने कहा कहाँ जाना है, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें ऐसे बुरा नहीं लग रहा तुम्हारा बर्थडे से वेस्ट, मैंने कहा वेस्ट नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छे से अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करने वाली, तो मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि मैं दुबई नहीं जा पाई, ठीक है। मतलब ऐसा लगा कि जैसे अगर आप कुछ डिजायर कर रहे हो ठीक है, हो गई तो अच्छा है और नहीं हुई तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान ने कुछ और सोच रखा होगा, क्या पता बेस्ट टाइम पे ही जा पाऊँ, क्या पता ये बेस्ट टाइम ना हो, ऐसा था कोई चीज हो रही है तो क्या पता किसी कारण की वजह से हो रही हो, तो ये चीज मैंने बहुत डीपली एक्सेप्ट कर ली है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब मैं ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छे से डील कर लेती हूँ, दिस इज द ब्यूटीफुल बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। और जी आई एम सो मैम हैप्पी दैट यू केम एट पीस विद योरसेल्फ एंड यू नो यू आर इन अवेयरनेस स्टेट। अब यहाँ पे मैजिकल स्टेट में अपना अपने आप को मैजिकल कंसिडर करने में अगर आप स्कोर देना चाहो पहले की मीनाक्षी और अभी की मैं, पहले ब्यूटीफुल। और पहले का का तो आप देख लो 1 दे सकते हैं, थोड़ी बहुत समझ जाती सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू। ओके जी ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट स्टेट आती है, हमारी लास्ट स्टेट आती है वंडर जर्नी में, दैट इज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। जब हम अपनी अपनी शिक्षा की वजह से, अपनी लाइफ चेंजेस की वजह से, अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से, अपने अवेयरनेस की वजह से दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करने लगते हैं सेवा भाव से। वैसे तो आज जो आप हमारे सामने बैठे हो ये भी इम्पैक्ट ही क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचेगी और कोई पता नहीं कौन मीनाक्षी में, अर्श में शायद ना देखे और मीनाक्षी में खुद को देख ली, राइट? तो दैट इज इम्पैक्ट क्रिएशन। बट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पर्सनल लेवल पे आपने कुछ ऐसे चेंजेस महसूस किए हों जो आप दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला पा रहे हो या मीडियम बन पा रहे हो। जैसे घर में काम कर रहे हैं पहले से बर्डन होता था कि मुझे ही लगाना पड़ता है झाड़ू, मुझे ही लगाना पड़ता यस है, अभी मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत प्यार से कुक करती हूँ सब लोगों के लिए, ये यस एक सेवा भाव, आपने ही तो बोला सेवा भाव लेके आओ, तो मैं यस बहुत प्यार से खाना बनाती हूँ सब लोगों के लिए अच्छे इंटेंशन डालकर ताकि सब लोग मेरे फेवर में आ जाए यस एंड आपने एक दिन क्वेश्चन पूछा था से बेलन हाथ में लेके उसके बाद से मैम आपने मुझे बोला था कि जो काम आप क्या पता आप कुछ बेटर कर सकते हो, तो फिर जो आप काम कर रहे हो उसके लिए कोई और ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, तो फिर मैंने वो मैनिफेस्ट किया ना कि मैं टीचर्स को ट्रेन करने जा रही हूँ यस ब्यूटीफुल। सी स्टेट जब पे आप बोल छोटे रही काम को हमें वैसे तो हर काम, हर कोई इसमें लेवल्स नहीं होते, लेकिन आप हूँ। जी एक हाँ काम को प्रेम से करते हो ना तो आपको फिर प्रभु वो देता है जो आपके पोटेंशियल के साथ अलाइंड है। बिकॉज जो लेसन था, अब सोचो अगर सेवा भाव ना होता हो सकता है हम अहंकार से पीड़ित हो जाते वो टास्क करते हुए। तो सेव वो भगवान जो चाहते थे या यूनिवर्स जो चाहते थे लेसन, वो आपने ग्राउंड लेवल पे सीख लिया रोटी बनाते हुए। हाँ जी, तो वो आप लीडरशिप जो अपॉर्चुनिटी आपने मैनिफेस्ट की है, बिल्कुल। जी मैम और कोई लोगों की लाइफ में आपकी बातों से, आपके सुझाव से, आपकी काउंसलिंग से कोई चेंजेस आ रहे हो? हाँ लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं अब ब्यूटीफुल। किस तरह की बातें अब सुनना पसंद करते हैं आपसे? जैसे मैं ज्यादातर मोटिवेशन वाली बातें करती हूँ, तो जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे से बात करते हैं कि मिक्सी सॉल्यूशन देगी, फैमिली में हो फ्रेंड्स में भी हो,
सब वैसे उनको लगता है कि मिक्सी के पास सॉल्यूशन मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। और तो कुछ नहीं, मेरी मम्मी भी ग्रेटिट्यूड वॉक करने लगी है। ब्यूटिफुल, सो हैप्पी, तीनों ये मम्मी बोल रहे, हमारी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि किससे क्या होगा, मैंने कहा मम्मी आप करे जाओ, मैम ने बोला आप करे जाओ, बस आप खुद ही मैजिक देख लो। वो मैं भूल जाती हूँ मैम, सुबह उठते ही मेरी, अभी मैं यहाँ पे पीहर आई हूँ रक्षाबंधन की वजह से, तो जैसे उठते ही मम्मी, मैं भूल जाती हूँ थैंक यू करना, मम्मी उठते किकी को थैंक यू बोल रहे, किकी थैंक यू यार आप हमारी लाइफ में आए, हर बात पे बेबी। थैंक यू बोलते हैं, डांस करते हैं बच्चों के साथ, खुश रहते। पापा नहीं है उस टाइम, मम्मी तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, फिर धीरे 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 मैंने मम्मी तो बच्चों को देखकर थोड़ा खुश होने लगी, यस लेकिन फिर मैंने मम्मी को ग्रेटिट्यूड वाली बात बताई। फिर मैं टीचर्स ट्रेनिंग पे भी गई थी, तो मेरे साथ तो किकी थी, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती, तो फिर मैं मम्मी को साथ ले गई थी, तो मम्मी और किकी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। एक बार हम थोड़ा जल्दी उठ गए, फिर मैंने मम्मी को ग्रेटिट्यूड वॉक के बारे में बताया, फिर तब से मम्मी रेगुलर ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाती बट मम्मी रोज करते हैं। सो मम्मी एक हैप्पी। अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है, ये भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है, फोकस यस यस बिल्कुल, क्योंकि आप होने टेंशन लगे। फ्री हो और आप भी, वो एनर्जी आप तक भी पहुंचती है। ब्यूटीफुल, सो हैप्पी फॉर तो यू। आप आपने बोला ना कि लोगों को ऐसा लगता है कि मुझसे सोल्यूशन मिलेगा, दैट इज योर ऑरा डियर। जब ऑरा प्यूरिफाई होने लगता है ना, उसी तरीके के लोगों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। शुरू में आपने जी बताया था हाँ कि जैसे ऐसे गलत बातें बोलने वाले या नीचा दिखाने वाले लोग जैसे आसपास थे, तो अभी उनकी गिनती कम हो जाती है और अच्छी जो एनर्जी वाले लोग हैं या जो आपसे अच्छी एनर्जी सीख करते हैं, ऐसे वाले लोगों की धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। जैसे एलिमिनेशन का एक मैं आपको सिखाती हूँ कि भाई एलिमिनेट होने लग जाते हैं लोग। एलिमिनेशन हुआ है कोई, ऐसे लोग आपसे दूर चले गए हों जो आपकी एनर्जी वाले नहीं थे? नहीं मैम, जैसे आपको प्रॉब्लम आपके फैमिली मेंबर्स वालों से हो रही, वो तो कहीं जाएंगे, लेकिन सब सेट हो गया, चेंज ऑटोमेटिक हो गया, ऐसा लगा कि वो पहले वाले थे ही नहीं और मैं भी पहले वाली रही नहीं, सब कुछ ब्यूटीफुल, एकदम स्मूथ हो गया। रिलेशनशिप मेरे ससुराल में कोई भी ऐसा नहीं जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे ना हो, सबके साथ बहुत इजी और स्मूथ रिलेशन है, चाहे मेरी ब्यूटीफुल, ननद हो, चाहे सास ससुर हो, कोई भी, सबके साथ एकदम परफेक्ट। ब्यूटीफुल। और वंडरनारी कम्युनिटी जी के बारे में कैसे क्या कहना चाहोगे? जैसे जितने भी जैसे लोग हैं, किस तरह से वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, जो हमारी फैमिली में लोग हैं, जब आप कॉल्स में आते हो हर हफ्ते, जो आपको मिलते हैं, दूसरों की जर्नी से आप क्या सीखते हो, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सब लोग अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं, फिर आप उनके जो आंसर्स देते हो वो, जैसे कई बार मेरे मन में कोई क्वेश्चन आया, मैं सोचू मैम से पूछूं, मैनिफेस्ट करूं कि मैम मुझे अनम्यूट करेंगे, उससे पहले ही कोई आपसे बात करता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब लोगों की बातों में किसी ना किसी की बात दिल पे लगी जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन चाहिए, जरूरी थोड़ा है मैम से बात होना, पहले होता था मैम से बात करनी है, मैम से बात करनी है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि बस, आपने बोला ना कि फोकस फोकस आपका सही होना चाहिए, आपको सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन पे फोकस करो। तो लोग, बहुत सारे मेंबर्स है हमारे, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बहुत आराम से सुनती हूँ उनको, फिर आप उनको जो बोलते हो उससे मुझे अपनी लाइफ में सॉल्यूशन मिल जाता है, बहुत ज्यादा हेल्प मिली है मुझे उन लोगों से, थैंक यू सो मच टू ऑल। ब्यूटीफुल, एंड आई कैन सी द डिफरेंस मीनाक्षी। जब आप नए नए आए थे ना, आपके बहुत क्वेश्चन, हर बार आपका हैंड रेज होता था। और ये आपकी बात नहीं, हर जो नया बंदा आता है ना, उसका ऐसा ही होता है, उसको लगता है उसकी प्रॉब्लम यूनिक है, सिर्फ और सिर्फ मैम से बात होगी तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। नहीं, जब और मैंने फर्स्ट टाइम जब हमारा सिल्वर मैंने ज्वाइन किया था ना, तो ब्रजेश ने मुझे बोला था कि मैम आएंगे अपना इंट्रो देना, तब आपने पूछा था कि यहाँ पर कौन कौन आया है जो इंट्रो दे, मैं थी, लेकिन मैम मैंने हैंड रेस नहीं किया क्योंकि मैं डर रही थी ना, वो था ना कि बस सामने नहीं आने का डर सामने था। नहीं है। मेरे टीचिंग स्टाइल में कोई फीडबैक, कोई चेंजेस, कोई जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो टीचिंग स्टाइल में, कैसी आपकी टीचर हो टीचिंग ना? सबसे डिफरेंट है, सबसे क्यों क्यों एक डिफरेंट? सेल्फलेस, क्योंकि आप जो पढ़ाते हो ना मैम, सेल्फलेस पढ़ाते हो, कोई यू नहीं है कि भाई कोई बिजनेस नहीं है, जैसे होता कुछ लोग ऐसे कोई कुछ बेच रहे होते हैं हर चीज के पीछे, उनका इंटेंशन यही होता है, लेकिन आप जैसे आप खुद को खुद से जोड़ते हो लोगों को, कि आपको खुद से खुद जोड़, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहता है, बजाय कि बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं सिखाते हो। मुझे लगता है कि पहले मैं बहुत टेक्निक्स करती थी मैम, जब मैं आपसे नहीं मिली थी ना, तो मैं 369 कर लिया, वो कर लिया, करती रहती थी वो, जब मैं प्रेगनेंसी मैंने ऐसे मैनिफेस्ट ही ऐसे ही करी थी, कर कर के बहुत सारी, ठीक है, लेकिन अब मैं टेक्निक्स करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड करती हूँ और स्क्रिप्टिंग करती हूँ, उसके अलावा मैं ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन, इसके अलावा मैं कोई टेक्निक नहीं करती मैम।
चीज पे काम करती हूँ जो आपको टेक्निक से पहले आप में होनी चाहिए, उसके बाद आप कोई टेक्निक, आपको एक खाली पुड़िया भी कोई वैद्य दे देंगे ना, वो भी काम करेगी, बिकॉज मैं इनर स्पेस पे काम करती हूँ। ब्यूटीफुल जी मैम, टेक्निक्स, पावरफुल टेक्निक्स एनर्जी। बेसिकली क्यों होती हैं? इट्स टू रेज योर वाइब्रेशन, एंड आई वर्क विद योर सेल्फ कनेक्शन, एंड आई वर्क ऑन योर वाइब्रेशन। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन, जो है कि ये जो पूरा वंडर जर्नी है 5 स्टेप्स का, ये जी जर्नी जी है टू, सो आई ऑलवेज से कि आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प पीपल टू क्रिएट अ जी लाइफ मैम, ऑफ देयर ओन ड्रीम्स बाय डेवलपिंग जी अ कनेक्शन विद द इनर डिवाइन। तो आपको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है, सेल्फ कनेक्शन इंप्रूव हुआ है या डेवलप हुआ है, आप अंदर की डिवाइन को टैप इन कर पाए हो थ्रू आउट द जर्नी इन वंडर नारी फैमिली, एंड अपने अंदर की जो गंदगी है उसको जैसे पहले क्लियर। ना, पहले जैसे मैम मैं मेडिटेशन करने बैठती थी ना, तो मेरा फोकस रहता है कि बस खुद को थॉटलेस करना, जो कि होता नहीं था। फिर जब मैं आपसे जुड़ी, आप मेडिटेशन कराते हो वेबिनार के बीच में, तो उसमें मैंने ये देखा कि आपको थॉटलेस होने के लिए कोई सिर्फ प्रयास नहीं करना होता, आपको सिर्फ ऑब्जर्वर बनना होता है। पहले मेडिटेशन ऐसे होते थे क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। फिर बाद में चला पता चला आपसे कि इसको मेडिटेशन नहीं कहते, मेडिटेशन आने दो, थॉट आ रहा जाओ, जस्ट ऑब्जर्व। अभी मैं मेडिटेशन करने आराम से बैठ जाती हूँ, और बहुत पहले ऐसा होता तो परेशान होके उठ के खड़े हो, अरे यार क्या करना मेडिटेशन, मेरे से तो होता ही नहीं है। लेकिन अभी बैठे हैं, बहुत सारे थॉट भी आए बट परेशान है, कोई बात नहीं, आता, इट्स वेरी नेचुरल। जैसे मैं कोई प्रॉब्लम भी बता रहा होता तो मैं उसको, जब बहुत ज्यादा होता है ना, किसी को समझना ही नहीं है, आप कितने ही बोलो उसको कितना ही ज्ञान दो, तो मैं उसको लास्ट यही बोलती हूँ, काम कर, तू मेडिटेशन स्टार्ट कर। और वन बाकी लाइन में, गाइडेंस, भले आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि सबको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, बिना बिल्कुल गाइडेंस आप नहीं कर सकते, जो मुझे बिल्कुल आपसे मिला मैम, थैंक यू ब्यूटीफुल, सो थैंक यू मच। सो मच डियर। ओके, कोई वन लाइनर जो लोग कम्युनिटी में अभी नहीं है उनके लिए कोई वन लाइनर आप शेयर करना चाहो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस लोन पे? मस्क की बात थी जो मैंने हमेशा से अपने दिल में, अगर आपने चांद को देखा है और अगर उस पर जाने का आपका मन नहीं करता है, तो फिर आपका यहाँ होने का कोई मतलब नहीं। ट्राई टू फाइंड कि क्या है, आपको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, आप खुद को एक्सप्लोर करो, दुनिया को करो, बट एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। ये मैं ब्यूटीफुल एडवाइस दूंगी सबको, जो मुझे कहीं से ब्यूटीफुल मिली, आपसे मिली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जी सो मैम, हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेल्फलेस टाइम। आपने अपनी फैमिली के अभी फेस्टिवल में से प्रेशियस टाइम निकाल के, बेटी के टाइम में से प्रेशियस टाइम निकाल के सबके लिए अपनी जर्नी शेयर किया, थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर देर विल बी मेनी मोर इंटरव्यूज टू कम, एंड थैंक यू सो मच मीनाक्षी फॉर योर टाइम, एंड टू व्यूअर्स, अगर आपने कुछ भी सीखा हो आज मीनाक्षी के जर्नी से, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और मीनाक्षी के लिए तालियां तो जरूर बजा के जाएं। कंग्रेचुलेशंस मीनाक्षी, कंग्रेचुलेशंस प्रोफेसर मीनाक्षी, लेट्स गो थैंक ग्रेट फॉर हर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड यू विल सी इन द मैम। नेक्स्ट वन। ये थी स्टोरी हमारी मीनाक्षी की। अगर आप भी अपनी लाइफ मैजिकल बनाना चाहते हैं, मैजिकल वर्जन क्रिएट करना चाहते हैं अपनी इच्छाओं का, अपने ट्रांसफॉर्मेशन का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक दिया गया है वर्कशॉप का, रजिस्टर कीजिए, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप, एंड नो द वेज कैसे आप बेनिफिट पा सकते हैं मेरे साथ अपना जर्नी स्टार्ट करके, जैसे मीनाक्षी ने पाया। आई विल सी यू इनसाइड, बाय।